अब बताओ ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये देखो नीचे और लगातार तेज आ रही है। पहले तो अच्छी चौड़ी सी थी, अब और भी ज्यादा अंदर ना आप देखोगे, अंदर जाते जाओगे ना तो और भी पतली होती जा रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आए हुए हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड का जो मसूरी था वो तो हम पूरा घूम लिए, और उसकी पूरे जो ब्लॉग है वो पूरे शूट हो गए, वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, तो अब चल रहे हैं हम देहरादून। ये लड़के देख रहे हो सामने, ये इतनी मतलब बाइक के ऊपर और वो भी मतलब इतनी हाई हिल्स पे और इस तरीके की हरकत, मतलब लगातार बाइक को कभी इधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, अब सही चलाने लगे, इनको दिखाया ना कि पीछे से वीडियो शूट हो रही है, अब ये सही चलाने लगे। ठीक है, नहीं मतलब कि कभी इधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं, इनका अलग ही मतलब हो रखा है। गिर गए ना तो घर का ना ढूंढा ना मिलो, यहाँ पे थाने बता दू बात भाई, इससे पानी मरवाएंगे अपनी गाड़ी। भैया गेर दो, ऊपर डाल दो, डाल दो, डाल दो, डालो डाले डाले, पीछे जाम लग गया भाई। ओ भाई आया मजा भाई, काफी देर से बिचारी हम सब लोग तो नहा रहे हैं, गाड़ी को नहीं ला रहे हैं यार, स्कॉर्पियो परेशान हो रही, कह रही मैं चलूंगी नहीं अब जब तक मेरे को नहलाओगे नहीं, तो अब इसको नहला दिया बढ़िया वाला, देख रहे हो पानी मजा आ गया बेचारी को, अब चलेगी बढ़िया तरीके से। तो भाई अब चल रहे हैं अपन रोवर्स केव, और रोवर्स केव है देहरादून से 5-7 किलोमीटर पहले, तो अपन चल रहे थे देहरादून, तो देहरादून से रास्ते के अंदर ही रोवर्स केव मिल रही है, तो पहले चलेंगे रोवर्स केव और वहां का देखते व्यू क्या मामला है वहां का। ठीक है, उसके बाद में फिर चलेंगे देहरादून, और देहरादून में हो सकेगी तो अपन मॉल रोड भी चलेंगे और छोटी मोटी अपनी शॉपिंग करके लेके आएंगे, और कैसी कैसी शॉप से वहां पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पीछे देखो डांगी कर रहे आराम, भाई थक गया मुझे लग रहा है। ठीक, और इधर पुलिस ने अपने को रोक दिया, अरे भैया यहीं रोक लो। ठीक, पता नहीं इनको क्या दिक्कत आ गई। भागी डांगी, तेरी नींद खत्म होकर ना दे रही क्यों बता, तेरी नींद खत्म होकर ना दे रही है ना। तू भाई इसको जैसे क्यों बन करे धनखड़, तू इसको जैसे क्यों हो, बस आ रही देख ले, गेल तो पीछे शुरू हो रही नींद आनी। अच्छा, धीरे धीरे आगे। सबसे ज्यादा जो अलर्ट में है ना वो अशोक भाई है। ठीक है, इसके कोई नींद वींद का कोई लेना, जहाँ पार्किंग नहीं होती वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते ना, उनकी वजह से सारा जाम लगता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं यार। मतलब मेरा कहने का मतलब है भाई आप आ रहे हो तो किसी क्यों परेशान कर रहे हो, यदि आपको यार गाड़ी पार्किंग में, जो पार्किंग बनी क्यों है, इसलिए बनी है कि गाड़ी को पार्किंग में लगाएं, और जो पार्किंग फीस होती है वो तो भाई बीच में लगाने से क्या फायदा है, इतना मोटा चालान हो जाएगा, बात बराबर है। लेकिन वही बात है, बंदे समझते नहीं है, जब भाई चालान कटते हैं ना तब ज्ञान होता है उनको कि हमें ये क्या कर दिया। ठीक है, गाड़ी उठती है ना उनके उठा के ले जाते हैं, तब उनको दिखता है कि हाँ आप हो रहा है, कोई फायदा नहीं भाई उनपे, मतलब हमारे जैसे लोग और परेशान हो जाते हैं भाई, हम नहीं करते कभी भी ना, जहाँ पार्किंग नहीं है ना तो हम बंदा वहीं गाड़ी में बैठा रहेगा हमारा, ये आप देख लेना कभी। अपनी रोवर्स कैब बची है यहाँ से 23 किलोमीटर और 48 मिनट लगेंगे, यदि ये आप देख सकते हो मतलब ये 23 किलोमीटर यदि हम होते ना नॉर्मल रोड पे तो ये लास्ट 20 मिनट के समथिंग हो जाती, पूरी 20 मिनट के 15 मिनट में हो जाती, लेकिन यहाँ 48 मिनट लग रही है। 48 मिनट का मतलब भाई इतने मोड़ तोड़ है रोड पे, इतने मोड़ तोड़ है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी, भाई मतलब ये सोच लो 10 किलोमीटर का ये घंटा भी लग जाता है, ऐसे ऐसे रोड है, देख रहे हो आप मैप के अंदर भी दिख रहा होगा आपको भाई, बहुत खतरनाक रोड है यार उत्तराखंड के, भाई दिख रहे हो कितना मस्त हो रहा है भाई, एक ही नंबर का लग रहा है। और ये खड़ी अपनी इधर स्कॉर्पियो, और ये है इधर मस्त वाला व्यू, मैं सोच लो बहुत ज़्यादा गहरा है, मैं ये सोच लो बहुत ऊंचा हूँ और ये बहुत ज़्यादा नीचे है। दूर दूर तक आपको पहाड़ी पहाड़, हम ना बादलों के पास आ रखे हैं, ये सिर्फ ऊपर बादल है बादलों के पास पहुंच गए हम, और ये इधर बहुत नीचे है, भाई हम पहुंच गए रोवर्स केव, और यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी को पार्किंग, देख रहे हो आप, और अब चल रहे हैं वहाँ पे, यहाँ से 200 मीटर और 200 मीटर तक हम पैदल चलेंगे, तो गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खड़ी कर देते हैं। ठीक है, अजय डांगी ले रहा है अपने पैसे छुट्टे, क्योंकि छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ सकती है भाई, कर दे जल्दी लोग, कर दे टाइम मत लगाओ, इतना टाइम ना है, अच्छी तरह तो बंद कर दे उसने, अरे लोक ना हो कई बार भाई, देख रहे हो धनकट कट टोरे भैया कैसे है तेरे, इधर दिखाई आपने सब कुछ ना किराए पे देखा होगा, मैं आपको आज दिखाऊंगा चप्पल भी किराए पे मिलते, सिर्फ 10 रुपए के अंदर आप चप्पल ले सकते हो। ठीक है, रोवर्स केव जाने के लिए
भाई सब जगह आपको मिल जाएंगे, 10-10 रुपए के अंदर स्लीपर मिल रही है, ठीक है। और देख रहे हो कितने लोग आ रखे हैं भाई, बहुत मतलब हर जगह हम जहाँ जहाँ गए ना भाई, लोग भरे पड़े हैं और भरे पड़े हैं, मतलब कि सब घूमने के शौकीन हो गए हैं। ये बात सच है, अच्छी बात है, घूम रहे हैं तो भाई माइंड फ्रेश रहेगा और डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़ेगा, माइंड फिट रहेगा, उम्र बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हेल्थ फिट रहेगी। फाइनली पहुंच गए रोबर्ट्स केव के पास, 200 मीटर पैडल चल के, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका जो अंदर घुसने का जो मतलब मेन गेट है वो, ठीक है। तो ऐसा लगता है फ्रंट से जब अंदर एंट्री करते हो, और टिकट है प्रति व्यक्ति 35 रुपये भाई टिकट हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो गुच्चू पानी रोबर्ट्स केव में आपका हार्दिक स्वागत है। पढ़ लिया आपने, ऐसा है भाई। और ये इधर एक छोटी सी नदी बह रही है बेचारी, नाला बोल सकते हो इसको आप, नदी छोड़ दो। भाई करवा लो टिकट, कहाँ गए हो टिकट? तो अपना डांगी साहब यहाँ करा रहे टिकट, उसके बाद में फिर चलते हैं अंदर, कट के 35 रुपये की। अब चल रहे हैं अंदर, इधर से चलते हैं, इधर ज़्यादा भीड़ है। और भाई देख रहे हो कितनी भीड़ है, मतलब पूरा भरा पड़ा है। देख रहे हो पूरा मतलब भरा पड़ा, आप देख रहे हो दूर तक आपको ना लोग ही लोग नजर आ जाएंगे, इतने लोग आते हैं यार। ये इधर बच्चों के लिए झूले वूले लगा रखे हैं, छोटे बच्चे यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गेट से भी 100 मीटर शायद पीछे है, वहाँ चलना पड़ेगा अपने को। है रोबर्ट्स केव और बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, लेकिन कुछ भी हो अपन भी चलेंगे अंदर, देखेंगे भाई ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतने लोग आ रखे हैं, ठीक है। लेकिन है मस्त चीज़ भाई, पानी भरा है गुफा के अंदर, पूरी के अंदर भाई, इसके अंदर मेरे को लगता है बारिश का टाइम तो पूरी गुफा पानी की भर के जाती होगी, है ना तभी तो इतना ज़्यादा भाई। कितने लोग देख रहे हो आप, पूरा भरा पड़ा है, और कितने बड़े बड़े पत्थर, मतलब कि ये जब बारिश का टाइम होता होगा उस टाइम तो पूरी केव भर के आती होगी, ठीक है। और यहाँ पे लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं इसके बारे में, कोई कह रहा है कि भाई यहाँ से ना मतलब डाकू सामान लूट कर और इधर से जाते थे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब यहाँ लोकल से मैंने बात करी तो कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, बट अपन तो देख के आते हैं क्या चीज़ है भाई, ठीक है। अब इतिहासकार तो है नहीं अपने को, इतना कुछ पता नहीं है, ठीक है, अपना काम है देखने का, तो देख के आते हैं। ये भाई ऊपर देख रहे हो पूरे गिरा पड़ा है, कितने लोग हैं यार भाई, आ जाओ, ये कहाँ रहेगा, चल गाइस। वैसे मस्त चीज़ है भाई, और एक नंबर का ठंडा पानी है, बंदा थकावट वाला यहाँ आ जाए आराम से पैर डुबोए ना तो मज़े आ जाते हैं। और देख रहे हो आवाज़ भी मेरी कम आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ वॉइस है और लोग चिल्ला रहे हैं। अरे भाई पानी मत कर यार, नीचे उतरें, नीचे उतरें अशोक भाई, इतना पानी है सारे हमारे कपड़े भीग जाएंगे, लेकिन अब उतरेंगे। अच्छा पत्थर है यहाँ पे, भाई बोल रहा है कि ना इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और पत्थर पैरों में चुभ सकते हैं, तो हमने पहले ही स्लीपर पहन रखी है, ठीक, और सेफ्टी से भी उतरेंगे भाई, भाई की बात को मानेंगे। आ जा भाई अशोक, ले मेरा हाथ पकड़ एक बार, धन्यवाद भाई बताने के लिए, भाई पत्थर है, आ जाओ गाइज, हम स्लीपर सही पहना है, नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, मतलब उसके अंदर से फील हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा भाई क्या कह रहा है भाई, तू भी खड़ा है, तू स्लीपर पहन रखे तुमने, हैं दिखाना, हाँ तो तूने स्लीपर पहन रखे, जब भी पत्थर नहीं लग रहे हैं तुझे, नहीं लगते इसके अलावा भाई, घुमाया आगे तक घुमाया, अच्छा अच्छा भाई, इतना इतना पानी, घुटने तक पानी यार इसके अंदर भाई, चोर इधर से कैसे जाते होंगे यार सामान लूट के,
नहीं ये है ना स्लीपर पहन रखी हमने। आ जा अशोक आ जा। आज देख रहे ऊपर भाई एक ही नंबर की गुफा है यार भाई। चोर इनको सही यूज करते होंगे क्योंकि इधर कौन आता होगा, इतनी डरावनी पहले से ही बहुत खतरनाक। मतलब ये सोच लो अभी तो अंधेरा हुआ नहीं है, चार बज रखे हो और रात में तो यहाँ आने से डर लगेगा, सारी चीजें गूंजेंगी बहुत ज्यादा तेज तेज और पानी और रिस रहा है। आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर में ना पहाड़ में से पानी रिस रहा है, ठीक है, और शायद ये उसी का पानी आ रहा है पहाड़ में से। ये देख रहा हूँ, ये दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है। आप बताओ ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये देखो नीचे और लगातार पानी गिर रहा है, इसी से पानी भर रहा है भाई, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इस तरीके से पानी गिर रहे होंगे पहाड़। बताओ ये भी यार कितनी अजनबी चीज़ है कि पहाड़ के अंदर पत्थर के अंदर से पानी आ रहा है, देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई पत्थर के अंदर से पानी आ रहा है। अशोक वो लोग नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई, मैं तो जाऊंगा अंदर। ओ भाई ये तो आगे आगे और भी खतरनाक होती जा रही है, और मतलब पूरी अब सकड़ी होती जा रही है, पहले तो अच्छी चौड़ी सी थी, अब और भी ज्यादा अंदर ना आप देखोगे अंदर जाते जाओगे ना तो और भी पतली होती जा रही है। इतना छोटा बच्चा भी चल रहा है इसमें। हेलो बेटा। भाई देख रहे हो पत्थर भी मतलब अजीब सा है, एक अलग ही तरीके का ना। अरे पानी मत डाल यार, पानी क्यों फेंक रहे हैं। भाई कैमरे पे आ गया था पानी, और ये ऊपर देख रहे हो पूरा। भाई हम लोग इतना घुस तो रहे हैं, यदि आगे से पानी आ गया ना तो सबके सब बह जाएंगे। देख रहे हो आप कितने लोग घुसे हुए, पूरा भरा पड़ा है। और आगे से पानी आया या कहीं पे बारिश ज्यादा हो गई उत्तराखंड में, और पहाड़ों से पानी इधर से आया तो सब लोग बह जाएंगे। देख रहे हो भाई घुटने तक पानी है पूरा, और एकदम चिल्ड पानी है, बर्फ, ये सोच लो बर्फ पिघल के आ रही है यहीं पे। भाई नीचे पत्थर भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर है, मतलब मैं मेरा जी जान रहा है मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, पूरा सेफ्टी के साथ चल रहा हूँ। और अंदर अंदर जा रहे हो ना अंधेरा होता दिख रहा है, आप देख रहे हो ना, आपको दिख रहा होगा पूरा अंधेरा सा होता जा रहा है, और जितना हम आगे जाते जा रहे हैं ना उतना ही सकड़ा और पूरा अंधेरा, ठीक है। और इधर से पत्थरों में से पानी रिसी रहा है, मैंने आपको बताया था ना अभी। अब देखो यहाँ दिखना भी बंद हो गया, मतलब पूरा अंधेरा सा हो गया, वहाँ कितना उजाला था वो आगे अंधेरा हो गया, ऊपर से पूरी बंद होती आ रही है, देख रहे हो। भाई ये भी काफी अलग ही चीज है यार, एक बात तो पहाड़ों के अंदर ना कुछ भी पॉसिबल है भाई, भगवान पानी सब कुछ है यहाँ पे, टोटल चीजें हैं, ठीक है, और सारी चीजें पहाड़ों में मिलेंगी आपको। अब थोड़ा सा फिर उजाड़ा हुआ है क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा खुला है, ठीक है, अंदर वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था यार। भाई कितनों का आ गया था, बहुत आगे भी गाइस। अब यहाँ पानी कम हो गया है, यहाँ पैर दिखने लगे, ठीक है, वहाँ पानी ज़्यादा था बट यहाँ हो गया कम, लेकिन आगे से पानी आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं से पानी तो आ ही रहा है, तभी इधर बह रहा है, आप देख रहे हो ये बह रहा है इधर और उधर जा रहा है सारा पानी। मतलब ऊपर से पानी आ रहा है ऐसा और वो जा रहा है, तो गाइस अब मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गए, 4:30-5 बज गए, और काफ़ी आगे जाने के बाद उधर अशोक भाई और वगैरह पीछे रह गए, अब इससे आगे जाने की मेरी भी हिम्मत नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा डरावना है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ वापस। तो गाइस अब चलते हैं वापस, ठीक है, और भाई लोग ना बाड़ना भी कम हो गए, देख रहे हो आप उधर गए जो गए, देखो अब जब हम जा रहे थे उस टाइम कितनी भीड़ थी, और अब भीड़ कम हो गई क्योंकि भाई सबको डर लग रहा है यार, इसका कोई एंड ही नहीं है, बंदा आगे जाते जा रहा है जाते जा रहा है, कहीं रुके ही नहीं दे रही, कितना बंदा अंदर जाएगा भाई, और मान के चलो ये पानी अभी इतना आ रहा है, ठीक है, और बारिश हो जाए ऊपर कहीं पहाड़ों में या कुछ और हो जाए भाई, जरूरी नहीं है, मेरे को नहीं लगता इनसे सारा, यार देख रहे हो पहाड़ों में से अंदर से भी पानी आ रहा है, लेकिन यदि कहीं और स्रोत से पानी आ गया तो भाई हम सब लोग बह जाएंगे पूरा, मान के चलो जब इतना कटा पटा पड़ा है ऊपर से देख रहे हो, तो कोई टाइम पे तो यहाँ तक भी पानी आता होगा इतनी ऊंचाई तक भी, ये भी सच है, आप देख रहे हो सामने, मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ, ये सारा एरिया नहीं जो कटा पड़ा है ना, ये भी तो भाई पानी से कटा है,
ठीक है, वो सामने देख रहे हो ये सब पानी से कटा हुआ है, ठीक है, पानी से कटा होगा तभी इस टाइप का डिजाइन इसका, ठीक है। तो आप सोच लो भाई इतनी इतना ऊपर तक तो ये देख रहे हो, ये भी आपको लगे दिख रहा होगा क्योंकि इधर से पानी आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई यहाँ तक भी पानी आता होगा, एकदम से इतना पानी अब आ जाए तो भाई फिर क्या हालात होगी, सब लोग बह जाएंगे सारे के सारे। तो अब भाई सेफ नहीं है भाई, अब चलेंगे यहाँ से अपने वापस बाहर, क्योंकि इतना भी अपने को एक्स्ट्रा नहीं करना कि भाई जान पे खतरा आ जाए, ठीक है। क्योंकि देख लो आप अलग ही दिख रहा हो भाई, एक सब कटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक पानी आता है और बहुत स्पीड में आता है जब ये सारे कटे हुए इस तरीके से। और भाई टाइम भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो अपन निकलेंगे बाहर। हाँ काफ़ी दूर अभी तो, देख रहे हो पूरी पता नहीं अजीब अजीब सी गुफाएं बन रखी है। देख लो मतलब पूरे पत्थर भी गीले हो रखे हैं, मतलब हर जगह से पानी आ रहा है, हर पत्थर में से पानी आ रहा है भाई, पत्थर में से पानी आ रहा है, पता नहीं इन पत्थरों में शायद पानी भरा हुआ है मुझे लग रहा है, ठीक है। ये ना प्लास्टिक की टंकियाँ हो रखी है एक तरीके से यार, बताओ और तो भाई क्या होगी, इतने टाइट पत्थर आप ना इनको मतलब हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते और इनके अंदर से पानी आ रहा है भाई, समझ से बाहर कुदरत के भी अलग ही नज़ारे हैं। तो गाइस अपन वापस निकल आए और पानी देख रहे हो अब भरना फिर वापस इतना स्टार्ट हो गया और घुटनों तक फिर पानी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उधर थोड़ा कम था, इधर घुटनों तक है भाई। और यहाँ से देख रहे हो ये भाई सारे जितने भी चट्टान है ना सब पानी से कटे हुए हैं, क्योंकि ऐसे तो कट नहीं सकते हैं, आप भी सोच सकते हो, ठीक है भाई। कटे पानी से पानी की सोच लो कितनी स्पीड हुई होगी और उस पानी के अंदर हम घूम रहे हैं भाई, कितना खतरनाक है, ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो तुम हद है भाई, इतने टाइम कहाँ लगा दिया तुमने भाई, आगे मत जियो, लास्ट एंड ना है इसको कहीं भी, मैं तो वापस आऊँ, पता नहीं भाई गाइस कितना लंबा है, मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। मैं जहाँ तक गया मुझे लग रहा है शायद आगे भी लंबी होगी, अब आगे उससे 100 मीटर लंबी है, 200 है, 300 है, मैं नहीं गया भाई वहाँ तक, ठीक है, क्योंकि सेफ नहीं था, आप भी समझ सकते हो, ठीक है। और हम ना अनसेफ काम नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आपको बहुत कुछ दिखाना है, यही नहीं भाई लास्ट अपनी, ठीक है। ओ भाई यहाँ पानी अब बढ़ गया भाई, यहाँ तक आ गया, ठीक है। भाई अपन आ जाते हैं इन कट्टों पे, भाई लोगों को डर ही नहीं लगता, सब लोग जा रहे हैं अंदर, ठीक है। भाई इसका नाम सही है रोबर्स केव, ये उस लायक की चीज़ है, काफ़ी डरावनी है, डाकू की तरह ही है ये डरावनी, तो इसका नाम सही रख रखा है और ये उन चीज़ों में ही यूज होते हुए कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई, बहुत साल पुरानी है, क्योंकि आप देख रहे हो इन पत्थरों से लग रहा हो काफ़ी साल, मतलब हजारों साल पुरानी हो ये चीज़। गाइस वहाँ पे है सांप, ठीक है। अरे भाई पीछे हटे पर थोड़ा सा पकड़ लो क्या, पकड़ ले और हो रहा गाइस देख रहे हो, पकड़ लो क्या हम सोच लो कि शायद अंदर से गए, चलो रे चप्पू भाई देख रहे हो, मैंने कहा था ना भाई कुछ भी खतरा हो सकता है, कितना लंबा सांप है यार, भाई रोबर स्केप हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, बढ़िया मजा आया एक नंबर का। तो अब पहले हम रुकने वाले थे देहरादून, लेकिन अब अजय डांगी ने कर दिया चेंज और कह रहे हैं भाई ऋषिकेश चलेंगे, और ऋषिकेश है यहाँ से 51 किलोमीटर और टाइम हो गया है मतलब मेरे हिसाब से 5:30-6 बज गए होंगे शायद, ठीक है। और अब यहाँ से 51 किलोमीटर 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, तो हम रुकेंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश बढ़िया जंगल कैंप लेके और वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि कल फिर सुबह उठने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से लेट उठेंगे, उसके बाद हम फिर भाई वहाँ पे नीर झरना वगैरह और जिप लाइन वगैरह कर लेंगे। तो कल के व्लॉग में
बढ़िया, उसमें मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब चलते हैं पहले ऋषिकेश और फिर वहीं स्टे करेंगे, ठीक है। देहरादून का कैंसिल, अगली बार देखेंगे देहरादून, फिर रुकेंगे कभी दोबारा। भाई आते जाते रहेंगे, भाई एक बार की तो बात है नहीं अपनी। फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश, तो ऋषिकेश भी नहीं रुक रहे हम, और अब हम रुक रहे हैं शिवपुरी। मतलब कितने प्लान चेंज होंगे यार, ये जब बंदा जब साथ रहेगा ना भाई, ये कुछ भी चेंज करवाता रहेगा। मतलब वहां पे जब हम थे देहरादून, तो वहां से इसने बोला कि ना ऋषिकेश रुकेंगे, और ऋषिकेश से अब कह रहा है कि शिवपुरी रुकेंगे, और अब इसने शिवपुरी के अंदर करा है बुक, ठीक है। मतलब वहां पे जंगल जो कैंप है वो, ठीक है, तो वहां स्टे करेंगे हम नाइट में। तो अब इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे दी एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।